वीडियो में ना कुछ इस तरीके का एडिटिंग करना सीखने वाले हैं। तो आप भाई वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी इस प्रकार के एडिटिंग करना सीख पाएंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से फेस स्मूथ हुआ है एंड यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हुआ है। आपको यहाँ पे हम नॉर्मल फोटो दिखा दे रहे हैं कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ से हम नॉर्मल फोटो ले रहे हैं। लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, यहाँ पे देखिए नॉर्मल फोटो कितना बेकार लग रहा है। यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको भाई फेस स्मूथ करना सिखाएंगे, पूरे यूट्यूब से अलग रहेगा। एंड यहाँ पे अगर आप सीख लेते हैं भाई 100% गारंटी लेते हैं कि आप भी इस प्रकार सीख जाएंगे अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना फ्रेंड, चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए भाई आप सबके लिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक बार और ध्यान से देख लीजिए भाई कितना बेकार ये चेहरा दिखता है। एंड वन क्लिक में भाई आपको ये ब्रश दूंगा, उससे आप स्मूथ वन क्लिक में कीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख लीजिए कितना बेकार ये चेहरा दिख रहा है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड यहाँ पे भाई ना मैं आ गया हूँ फोन स्क्रीन पे। आने के बाद ना आपको सबसे पहले आप ना प्ले स्टोर से ना ये देख लीजिए स्केच बुक दिख रहा होगा, इसको आपको डाउनलोड करना जरूरी है, तभी भाई फेस स्मूथ होएगा। तो आप क्या कीजिएगा लाइटली से डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। तो इसे मैं डाउनलोड तो पहले से किया हूँ, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ। एंड यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, एंड यहाँ से यहाँ पे देख लीजिएगा इस प्रकार इस पे 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड जो ये फोटो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डिटेल या कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके इसे फोटो को डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पे जिस भी फोटो को आपको बनाना होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे नीचे देखिए प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे न्यू जो दिख रहा है न्यू फॉर्म इमेज, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर दिए एंड जितना भी गैलरी में फोटो रहेगा आ जाएगा यहाँ पे। तो गैलरी में फोटो जितना रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, इस फोटो को हम ले लेते हैं। तो देख लीजिए कितना बेकार दिख रहा है। एंड यहाँ पे हम इसको स्मूथ करना आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले ना फ्रेंड आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पेंसिल का आइकन तो दिख रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक कर दूंगा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद ना भाई आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखेंगे भाई तभी समझ में आएगा। एंड यहाँ पे ये वाला ब्रश दिख रहा होगा एंड हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रश दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर हमें क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे इसके सेटिंग पे आप क्लिक कर लीजिएगा। एंड सेटिंग इसका देख लीजिए, यहाँ पे इसको इतना पे रख लीजिएगा एंड इसको इतना बढ़ा लीजिएगा और इसको साइज जो रहेगा इस इतना पर यानी पे इतना पे साइज रहेगा। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए इतना इतना सब रख लीजिएगा, 34 और यह 9 है तो 750 इतना पे रख लीजिएगा। एंड यहाँ पे जादू देखिएगा फ्रेंड क्या होगा। एंड पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो दिख रहा है कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ भाई, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे व्हाइट ही रहने देंगे। एंड यहाँ पे आपको जादू दिखा रहा हूँ फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से ये फेस स्मूथ स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना भाई, यहाँ पे इसको 5 रख लेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, टच करके यहाँ पे गोला टाइप आएगा ब्रश के ऊपर, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा भाई, स्मूथ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे स्मूथ होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप भी स्मूथ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे स्मूथ कर लेता हूँ तो आपको बताता हूँ भाई तो कैसे क्या होगा। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे स्मूथिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये वाला ऑप्शन लेना होगा। तो मैं यह देख लीजिए ये वाला ऑप्शन ले लीजिएगा, इसको हम ले लेते हैं। एंड लेने के बाद इसको क्या करेंगे, लाइट पे सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कीजिएगा, इतना पे रहने दीजिएगा इसको। एंड यहाँ पे क्या कीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे आप यहाँ से एक यहाँ से बैकग्राउंड ले लीजिएगा। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे सॉफ्ट वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे सॉफ्ट दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे जो रहेगा कलर वाले ऑप्शन पे आप क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कलर वाला ऑप्शन दिखा रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको रेड रखना है, तो यहाँ पे रेड रखना है तो मैं यहाँ पे रेड रख लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो इसका ओट रहेगा इसको हम यहाँ पे रेड करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो ओट है यहाँ पे हम रेड कर रहे हैं और आप भी कर लीजिएगा यहाँ पे। तो मैं इसके ओट पे रेड
कलर लगा देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहा है आपको, यहाँ से आप ले लीजिएगा एंड यहाँ पे इसके ऊपर पे रेड लगा लीजिएगा। तो मैं देख लीजिए इस प्रकार लगा दिया हूँ यहाँ से, एंड लगाने के बाद क्या करूँगा ना फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आपको करना क्या होगा, इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे 100 जो रहेगा इसको कुछ इस प्रकार कर दीजिएगा। तो देख लीजिए इस प्रकार होने के बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड, वह भी आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार तो देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से फेस स्मूथ हो चुका है एंड यहाँ पे इसको गोरा करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए इसी वाले ऑप्शन को ले लीजिएगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपको लेना क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन इस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से देखिए इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे सॉफ्ट क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे क्या करना होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे आपको वाइट पे रहने देना है और इसको कुछ इस प्रकार इतना पे रख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए मैं इतना पे रख दिया एंड यहाँ पे क्या करेंगे ना फ्रेंड, आप एक जादू देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे इसको फुल कर देते हैं इतना पे, यहाँ पे इसको हम 100 रखेंगे देख लीजिए एंड यहाँ पे हम 100 रख देते हैं। तो यहाँ पे 100 आप भी रख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक जादू दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी अच्छी तरीके से फेस जो है इसका कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना बेहतर तरीके से फेस का कलर चेंज हो रहा है। तो आप भी इस तरीके का कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको चेंज करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। तो हम इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ से सेव करेंगे और एक चीज़ आपको बाकी है फ्रेंड, तो उसे हम क्या करेंगे उसमें इसको रखेंगे यानी कि उसमें इसको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप Lightroom को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं Lightroom डाउनलोड किया हूँ, इसे ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद ना आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक PNG दूंगा यानी कि एक पीसेट देने वाला हूँ, तो उस पीसेट को आपको लेना होगा। तो मैं क्या करता हूँ ये वाला पीसेट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे क्या करेंगे इस पीसेट को हम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये जो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद ना फ्रेंड आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ इस जो फोटो है ना, यहाँ पे देख लीजिए जो फोटो आप स्केच बुक से बनाए रहेंगे ना यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार पेस्ट हो गया है। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से पेस्ट भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।